यूजुअली हम लोग अपने इस चैनल पे फीचर फिल्म्स को रिव्यू करते हैं, बट आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म. ऐसे किसी ने रैंडमली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ था लिंक, सो आई जस्ट ओपनड इट और सुना न्यूज़ चैनल पे इसे रिलीज़ किया गया है. जब लिंक मैंने खोला तो बड़े इंटरेस्टिंग मुझे उसके विजुअल्स लगे और फिर मैं उसको देखती चली गई. मैं इतनी इंगेज हो गई, मैंने पूरी शॉर्ट फिल्म देखी एंड आई जस्ट थॉट के वी शुड यू नो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. इसे लिखा है अब्दुल समद ने और ISPR फंडेड ये फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है आमिर यूसुफ ने. आमिर यूसुफ जो है वो ज़रा कम कम काम करते हैं, कुछ टीवी सीरियल्स उन्होंने किए हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स पहले वो बना चुके हैं. एडिटिंग से डायरेक्शन की तरफ वो आए हैं और सिंगापुर से उन्होंने एक कोर्स भी किया कलर ग्रेडिंग का, सो ही इज़ अ सर्टिफाइड कलरिस्ट ऑल्सो. ये उनका एक वेंचर है शॉर्ट फिल्म का जिसका नाम है हमारा चमन और सुनो न्यूज़ पे आप इसको देख सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. सो बेसिकली हमारा चमन जो है वो FC के एक बलोच नौजवान सिपाही की कहानी है, बड़े एक नडर सिपाही की कहानी है जिसका नाम अता है. हर वक्त जो अपने वतन के दिफा के लिए तैयार रहता है, उसे किस तरह मतलब बॉर्डर पे उसको किस किस तरह के टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, उसे कैसे कैसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में ये है. और इसकी सबसे अनयूजुअल चीज़ मुझे ये लगी कि एक सिपाही को लेके एज अ मेन लीड या उसको एज अ हीरो दिखाना या एज अ प्रोटैगनिस्ट दिखाना ये बड़ा कम होता है. कि अगर मैं याद करूं तो जितनी ड्रामा सीरियल्स हमने देखी हैं जिनमें अल्फा ब्रावो चार्ली था, उसमें तीन दोस्तों की कहानी थी जो आर्मी को ज्वाइन करते हैं, दे वर आर्मी ऑफिसर्स और उनकी डेली रूटीन के बारे में था, फिर विल्को या सुनहरे दिन, तो इन सब में आर्मी ऑफिसर्स की ही लाइफ को हाईलाइट किया गया था. लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है जिसमें एक सिपाही की ज़िंदगी के इर्द गिर्द भी कहानी को क्रिएट किया गया हो. आई रिमेंबर कि सिपाही मकबूल हुसैन एक ड्रामा सीरियल थी जो कि एक सिपाही की ब्रेवरी और करेज के बारे में ही ड्रामा सीरियल थी. सो हमारा चमन जो है इट्स बेसिकली क्रिएटेड ऑन सिमिलर लाइंस. बलोच बाप का बेटा हूँ, सर्दी और सख्ती से खेलना जानता हूँ. सो एक और जिस फिल्म की शॉर्ट फिल्म की जो हाईलाइट है जी वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जैसे ही सीन ओपन होता है उसमें आपको एक यू नो रात के वक्त का मंजर है, उसमें डार्क ब्लू स्काई के अगेंस्ट वो जो फौजियों का जो बिल्कुल शेडो या आप सिल्वेट कह लें उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है. और इस तरह के आगे आपको बहुत से सीन्स इस तरह के शॉट्स आपको नज़र आएंगे जो बड़े खूबसूरत हैं. इसमें आपको वाइड एंगल्स नज़र आएंगे, इसमें आपको हाई लो एंगल्स, फिर इसमें पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें इस तरह से शूट की गई हैं और सिमेट्रिकल आपको कॉम्पोजिशंस इसमें नज़र आती हैं. बहुत ही केयरफुली और बड़े थॉटफुल तरीके से शॉट्स को डिज़ाइन किया गया है और आपको ये देख के ज़रूर ये एहसास होता है कि द डायरेक्टर इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. सो कलर ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डायरेक्टर ने खास इस बात का ख्याल रखा है कि जो उनकी कलर पैलेट है वो उनकी स्टोरी को कॉम्प्लीमेंट करे, बिकॉज जो कलर पैलेट होती है वो स्टोरी टेलिंग को इन्हांस करने में बहुत मददगार साबित होती है. सो इस बात का खास ख्याल रखा है उन्होंने. आपको इसमें जो है अर्थ टोन्स भी यू नो उन्होंने यूज़ किए हैं जस्ट टू गिव अ यू नो वार्म फीलिंग. ओवरऑल फिल्म के अंदर एक वार्म्थ आपको नज़र आती है कैरेक्टर्स के मुताबिक भी और सीन टू सीन भी उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जिस तरह का सीन है उसके मुताबिक जो है कलर की इंटेंसिटी को जो है ट्रीट किया है. सो दैट इज़ ऑल्सो नाइसली डन. फिर इसमें जो लोकेशंस हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं. चमन जो है वो बलूचिस्तान का एक शहर है जहाँ पे अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके करीब ही एक शहर है, तो वहाँ पे जाके इन्होंने शूटिंग की है. कुछ लोकेशंस ऐसी भी थी जो चमन से यू नो 4 घंटे आगे, कुछ आइसोलेटेड ऐसी पोस्ट थी जहाँ पे जाके उन्होंने शूट किया है. और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल बिजली पानी का इंतज़ाम भी नहीं था, फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी कर जाता है रात के वक्त और बहुत ठंड हो जाती है. कुछ ऐसी जगह जहाँ पे रोड भी नहीं थी प्रॉपर, सो ये सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं. बाबे दोस्ती जो है कुछ जो है वहाँ पे भी शूटिंग इन्होंने की और बाबे दोस्ती जो है वहाँ पे भी इट्स यू नो प्रीटी मच क्राउडेड. वहाँ पे जाके शूट करना इज़ यू नो वेरी वेरी चैलेंजिंग. फिर एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग इस शॉर्ट फिल्म की बात है वो ये कि इन्होंने वहाँ के लोकल एक्टर्स हायर करके उनसे एक्टिंग करवाई है, बिकॉज आपको कोई भी नॉन फेस नज़र नहीं आएगा इस फिल्म के अंदर. उनसे उन्होंने एक्ट करवाया है. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे जो एक मददगार चीज़ हुई वो ये कि इससे इनकी फ़िल्म को जो है वो
वो एक बहुत ही ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक फील क्रिएट करने में जो है वो मदद मिली है। इस फिल्म में थोड़ी सी जो आपको एक चीज़ ऑफ लगेगी वो है इसकी डबिंग, बिकॉज दो एक्टर्स की आवाज़ें ओरिजिनल नहीं है, सो वो थोड़ा सा लगता है ऑफ, यू नो, जब वो बोलते हैं आई गेस उनके शायद डायलॉग्स या उनका शायद तलफ़ुज़ उस तरह का नहीं था, सो उनकी आवाज़ को रिप्लेस किया गया है। फिर इसमें जो एंडिंग है वो भी काफ़ी क्लीशेड थी, बट आई गेस कि जहाँ पे आपने पेट्रियाटिज़म की थीम को आपने हाईलाइट करना होता है या इस तरह की हीरोइक कोई डीड दिखानी होती है रिलेटिंग टू द आर्मी, तो उसमें फिर हमारे पास शायद कोई दो तीन चार ही ऑप्शंस होती हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, जो कि हम देख भी चुके हैं और वही ऑन रिपीट हमें देखनी पड़ती हैं, बट यू नो दैट्स द नेचर ऑफ द यू नो जॉब। सो वो थोड़ा सा क्लीशेड मुझे लगा, अदर देन यू नो द फिल्म इज़ नाइसली शॉट। जो डायरेक्टर हैं आमिर यूसुफ, उनका जो विजन है और उनकी जो यू नो एस्थेटिक सेंस है वो ज़रूर इस काबिल है कि उन्हें यू नो ही शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आर सिनेमा एंड यू नो कैरी ऑन हिज विजन ऑफ द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। आप भी फिल्म ज़रूर देखिए एंड डू लेट अस नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।